मल्लू दादा शादी में पहुंचने से पहले ही बारिश आ गई और यहाँ एक एक मिनट रुका नहीं जा रहा। परेशान हो रहा हूँ मैं यार, जल्दी से जल्दी आपकी शादी में पहुंचना है। कुछ भी हो जाए आपने कह दिया तो ज़रूर आ रहा हूँ मैं कुछ ही देर में। बारिश अब तो रुक गई, मैं भी रवाना हो गया मान लो। बल्लू दादा के लिए और बल्लू दादी के लिए दो ले लिया, दो। अब थोड़ी देर में 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी बल्लू दादा देवता के डोक दे रहा है इसलिए थोड़ा रुकना पड़ रही हो यार। दूल्हा निकल रहे हैं, ये दूल्हा जी बैठे हैं। सिगरेट चालू चालू है ना। पास में तू है सही जन है सही पास में भाई बल्लू दादा की बारात में हम आ गए हैं और बल्लू दादा की बारात अभी कुशलपुरा गांव में रुकी हुई है और यहाँ पर 1000 बराती की पहुँच गए आने और बारात अभी यहाँ पर पहुँची नहीं है। जो बल्लू दादा के गांव वाले ये अभी आए नहीं यहाँ पे और ये बारात यहाँ पर 1000 लोग पहुँच गए, इसका पता नहीं है कहाँ से आए। ये मैं दिखा दूँ आपको, ये चारों तरफ बाराती बाराती है और वहाँ पर लाइन लगी हुई है बद्यागिरी लेने वालों के गेट पर आने। मैं बिना निमंत्रण आया हूँ वैसे ही। इनमें से लगभग 40% है ना, ये रियल से 40% यम जन है मारी जैसे बैठे थे। 40% कन्फर्म, ये भी 40% ये भी मेरे साथ में 40% लेकिन मार गए तो बल्लू दादा को फोन चल गो जो इसका मेरे पास प्रूफ है। बल्लू दादा का मेरे को बोल गया था उसका मेरे पास प्रूफ है ना, और बल्लू दादा पहुंचा नहीं है, बल्लू दादा के गांव वाले नहीं पहुंचे हैं, बल्लू दादा की बारात नहीं पहुंची है और यहां पर ये पहुंच गए हैं मेरे जैसे भाई है। बल्लू दादा पहुँच चुके हैं स्टेज पर, बल्लू दादा स्टेज पर पहुंच चुके हैं। राम राम, सत्कार कर लिए सबसे। बल्लू दादा, ये बल्लू दादा है, ये बल्लू डॉन। अरे बल्लू दादा इधर आगे आगे आगे, बल्लू दादा आगे। बल्लू दादा की बारात में इतने लोग पहुंचे हैं, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी नाश्ता आ जाएगी लेकिन नाश्ता आ गई यार। इनको बहुत बहुत धन्यवाद यार, कितनी बारात आ गई ये देखो आप। कोई नेता और मंत्री होता ना, नेता और मंत्री वो काम को ना उतरी बारात उतरी बल्लू दादा काम आ गई फिर भी इनकी नाश्ता आ गई देख लो, नाश्ता आ गई। ये सब बनाना थाला से जलेबी खा लेता हूँ भाई, हनुमान पोसवाल चाकसू। बल्लू दादा की बारात पहुंच गई फुल पावर में।
नाश्ता चल रही है इधर, बल्लू बाबा का रस में होती है कुछ। ये बल्लू दादा गाड़ी में मैं बताता हूँ आपको बल्लू दादा की, बल्लू दादा की ससुराल वाले आ रहे हैं बेटी का बाप। लाइव कौन चला रहा है? वीडियो कर रहे हैं। बल्लू दादा कमाल कर दिया भाई। दोस्तों सच में यार, मैं अभी दुल्हन को देख के आया हूँ। जिस प्रकार से बल्लू भाई ने हिम्मत की है ना, उसको सलाम है दिल से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बल्लू भाई, और लोग इसको सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं। सच में बल्लू भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। जो दुल्हन है वो बिल्कुल बीमार है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सच में मेरे यहाँ पे जानकार यहीं के जो भाई थे वो दोस्त जानकार थे, और उन्होंने मेरे को डायरेक्ट उनको ले जाके दिखाया है। तो उनको देखकर जो ये सोशल मीडिया पर मजाक कर रहे हैं ना भाई, जो यार मैं अंदर देख रहा है जो ना दुल्हन, उन देख के हिसाब से ये मजाक कर रहे थे लोगों ने, ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बल्लू भाई, बहुत अच्छा, भगवान की सौगन बहुत अच्छा। जो मुंडा यार उनकी हालत देख और उनके लिए इन्हें हिम्मत जुटाई ना, उन्हें सलाम भगवान। माहौल गलत बना मिले छे यार, माहौल खराब बना रखे हैं। और बल्लू भाई को सलाम। अरे यार झोपड़ी के नीचे चु देख मोबाइल की टॉर्च चल रही है। बैठ को कहीं तू खानो खाप है। बल्लू दादा की बारात में लगा ली फटकार, लेकिन जितने भी लोग मजाक कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। जो लड़की है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है भाई साहब, खाट में सो रही है और बीमार रहती है। बहुत इलाज करवा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं लगा इसमें। तो मतलब एक तरह से बल्लू बहुत अच्छा काम कर रहा है इनसे शादी करके। इस हालत में है, ये हालत में तो कोई भी शादी को करे, भले ही कोई कुंवरों रे रहे तो कुंवरों रे जाओ, लेकिन बल्लू दादो हिम्मत जुटार शादी करियो इनसे। बहुत अच्छा काम कर रहा है बल्लू दादा, और इन्होंने व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है। यहाँ कम से कम बारात वाले पहुँच गए 1500 लोगों की बारात की व्यवस्था भी अच्छी की है इन्होंने भाई साहब। ये बल्लू दादा के बारे में जो भी लोग मजाक कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं बता दूं भाई साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक जो विकलांग लड़की थी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसको जिंदगी बनाने के लिए इन्होंने हिम्मत जुटाई, और उसके लोग मजाक कर रहे हैं।
ये गलत है यार, इसका तो हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि ऐसी और कई बहनें हैं उनकी शादी हो सके, कोई हिम्मत जुटा सके। अब आगे के लिए ऐसे कोई हिम्मत ही नहीं जुटाएगा यार, ऐसे मजाक करते हैं। अगर थोड़ी ज्यादा उम्र हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है तो क्या दिक्कत है, उधर इधर लड़की तो ऐसे ही रह रही थी, उसकी शादी हो रही तो बहुत अच्छा काम है ये तो। भल्लू दादा को सलाम।